दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में करनाल के गांव फूसगढ़ से बड़ी संख्या में किसानों द्वारा इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर कूच किया गया है। इस मौके पर किसान अपने साथ किसानों के लिए खाने पीने की चीजें भी ले गए हैं। इस मौके पर फूसगढ़ से समाज सेवी पप्पू लाठर ने जानकारी देते हुए बताया कि फूसगढ़ के गांव ने स्वयं इकट्ठे होकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की सहायता करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत आज एक ट्रक राशन सामग्री का आंदोलन स्थल के लिए रवाना किया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में किसान भी उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है एवं तीन काले कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण किसानों के साथ है और जब तक धरना जारी रहेगा एवं आंदोलन चलता रहेगा किसान धरना स्थल पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा इस काले कानून से किसानों की फसल औने पौने दाम में पूंजीपति खरीदेंगे, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। यहां हम आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ किसानों की कई बार वार्तालाप हो चुकी है जो बेनतीजा निकली है, परंतु किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। इस आंदोलन में हर वर्ग अपना सहयोग देता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज शनिवार को गांव फूसगढ़ से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे और अपने साथ राशन सामग्री भी साथ ले गए हैं। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कादन। किसानों के समर्थन में जैसे जैसे आगे आगे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। वैसे तो उनका प्रदर्शन काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन दिल्ली में उनको आज लगभग 9-10 दिन होने को है। हर रोज़ हर एक दिन हर कोई व्यक्ति कोई वर्ग विशेष उनके समर्थन में आता ही जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के फूसगढ़ गाँव में। यहाँ पर लोग हैं, ये इन्होंने पूरे गांव की तरफ से राशन इकट्ठा किया है जो कि किसानों के लिए भेजने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या सुविधा क्या 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 सुविधा दे रहे हैं आप किसानों के लिए? हमने पूरे गांव ने इकट्ठा होकर पंचायत करी है, सारा गांव 36 बरादरी ने। बस जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शो किया जाए। ये आंदोलन कोई किसी का अपना पर्सनल नहीं है, ये हमारी पूरी किसान बरादरी का है, 36 बरादरी का, जो खेती के ऊपर निर्भर है। उसके लिए सारे गांव ने अपने आपस में जितना भी चंदा आपस में होया इकट्ठा किया है। खाने का इनका इंतजाम एक ट्राली में लोड कर दिया। 60-70 आदमी आज हमारा जत्था, हम तो ये कहेंगे ये शहीदी जत्था है। ये वहां बैठ के चाहे इनको भूखा भी रहना पड़े, अगर सरकार इनको गोली मारेगी तो ये अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। क्या क्या सामान आप भेज रहे हैं? ये जो भी सामान होता है, सब्जियाँ हैं, आटा है, अनाज है, चावल है, ये खुद वहीं रहेंगे सारे के सारे, और लोगों को भी खड़ाएंगे और अपने आप भी खाएंगे। तो हाँ जी, कानून तो ये कोरा ऐसा हो गया जैसे कि मतलब बिल्कुल अंग्रेजी शासन की याद दिलवा दी इन्होंने। भाई कानून आप लागू कर रहे हो, कोई कानून की मांग तो नहीं थी ना किसी भी प्रदेश में किसानों ने इसके लिए आंदोलन करे भाई ये कानून लियाओ, ना आठ दिन आंदोलन करे, किसी ने नहीं करे, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। जो जिन लोगों के लिए जनता आंदोलन कर रही है वो कानून नहीं लाती है सरकार, जो लोग नहीं चाहते वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि किसानों को भी समझ नहीं आया, जब वो समझ जाएंगे तो बहुत फायदा है। हमारे 35 आदमी किसानों के, कल भी जो परसों जो मीटिंग हुई थी 35 आदमी हमारे किसानों के सरकार से मिले थे, उन्होंने एक एक पॉइंट समझा दिया। ये कह रहे भी समझ नहीं आए, समझ तो कुछ चंद लोगों को नहीं आए, जो मंत्री बने बैठे हैं 20-30-50 लोग उनको समझ नहीं आ रहे हैं, वो समझ उनको भी आ रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के अपनी कुर्सी के लालच में सत्ता के लालच में चुप बैठे हैं, तानाशाही से डर रहे हैं। मैं आपको मोटी मोटी तीन कानून है, तीनों में मोटी मोटी तीन कमी बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कोरोना में क्या हुआ, सारे बिजनेस बंद हो गए, सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस देश की GDP को बचाया। तो मोटे मोटे जो पूंजीवादी थे अडानी अंबानी, इनकी नज़र गई कि ये एग्रीकल्चर दुनिया में अगर आगे ऐसी महामारी आएगी तो ये बचा हुआ है तो यही बचा सकता है, तो इनकी नज़र इस पर गई। अब इन्होंने सबसे पहले तो कालाबाजारी से रोक हटाई स्टॉक से, ठीक है, पहले स्टॉक के ऊपर नियंत्रण था, अब ये
सिर्फ किसान का नुकसान नहीं होगा इसमें, जब ये पूंजीपति यहाँ आएंगे, खेती करेंगे, स्टॉक करेंगे, तो ये आम जनता का भी नुकसान करेंगे। डिमांड और सप्लाई अपने हाथ से कंट्रोल करेंगे, अपने हाथ से माल खरीदेंगे, अपने हाथ से रिलीज करेंगे, तो उसमें आम जनता ये सोच रही है कि किसान को समझ में नहीं आ रहा। अरे किसान को तो समझ में आ रहा है, आम जनता को भी समझने की जरूरत है। किसान अपने अपने नहीं, उनके बचाव की भी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उनका भी नुकसान है इसमें। वो अपने हाथ से मार्केट को नियंत्रण करेंगे तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पहली कमी है। दूसरी कमी MSP, अब मोदी ने रेलवे वालों को बोला था रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से पहले कि मैं रेलवे नहीं बिकने दूंगा, और क्योंकि मेरा तो करियर ही रेलवे ने बनाया है, कुछ दिन बाद रेलवे बेच दिया। अब सरकार कह रही है MSP रखेंगे, सरकार तो कल को बिकाएगी कि MSP है, लेकिन साल दो साल बाद जब गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा, खरीद में परचेज में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा, सरकार तो अपने हाथ खड़े कर लेगी कि हमारे अकॉर्डिंग तो भाई MSP इतना होना चाहिए, लेकिन उस MSP पे खरीदेगा कौन? प्राइवेट कंपनी के लिए कोई कानून नहीं है कि वो हमारी इस MSP पे खरीदे। प्राइवेट कंपनी कह देंगे हम तो अरे 1000 रुपये देवा फसल का दिन दे दो, नहीं हम साल दो साल अच्छा करके वाह वाह करवा के, और फिर किसान का एक्सप्लोइटेशन शुरू होगा। उसके बाद किसान दुखी होंदा जमीन अपनी बेचनी शुरू करेगा, और ये सारा देश पर कब्जा कर लेंगे अडानी अंबानी और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स। ये जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, ये बड़े बड़े पूंजीवादों पूंजीपतियों की जो है ना ये चमची है। तीसरी कमी मैं तीसरे कानून में सामने, जितना जिसका हो गया अपना पैसे इकट्ठे करे हैं, चावल इकट्ठे करे हैं, अनाज इकट्ठा करे, सारे गांव ने 36 बरादरी से होकर और साथ में जा रहे हैं, वहाँ वहीं धरने बैठेंगे चाहे वो 2 महीने हो जाओ। ये इस बार आर पार की लड़ाई है, ये एक देश 1947 में आजाद हुआ था, एक उससे भी बड़ी लड़ाई अब है किसान के लिए। एक तीसरी हमें पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसमें हमारे भाइयों ने हमें कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। तीसरी सबसे बड़ी कमी इसमें ये वो ट्रैक्टर है जो राशन लेके वहाँ पर जाने वाला है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, कहाँ की तैयारी है? हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं किसानों के लिए राशन लेके। राशन लेके जो है 3 अध्यादेश आए हैं, जो हमारे किसान भाई वहाँ भूखे वैसे बैठे हैं, उनके लिए राशन लेके जा रहे हैं हम। बिल्कुल बैठे हैं, सही लेके बैठे हैं हम। जब तक जो हमारे पे बन चुका पड़ेगा वो ही करेंगे हम। हाँ जी, कहना तो यही है सरकार से कि हमारे जबरदस्ती जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं 3 काले कानून जो बनाए हैं उनको वापिस लो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। दो ही मांगे हैं हमारी, तीनों कानून जबरदस्ती भला कर रहे हैं किसान, ना मांग नहीं रहे। पहला प्रधानमंत्री आया देश के अंदर, सारा कुछ तो बेच दिया इसने, अब किसानों को बेचने चला है, अंबानी अडानी स्थान बनाना है इसको। राशन ये वो पूरी ट्रॉली में पूरा राशन है, पूरा का पूरा राशन है जो किसानों के लिए दिल्ली में जाने वाला है। साथ ही कुछ लोग भी हैं इनके साथ, वो भी वहां जाएंगे, और जब तक धरना खत्म नहीं हो जाता वो लोग वहीं रहेंगे। ये पूरा का पूरा ट्रैक्टर आप देख सकते हैं। तो देखा आपने, लगभग हर रोज जिससे भी जितना भी बन पा रहा है वो उतना सहयोग किसानों को दे रहे हैं। लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान ज़्यादा हैं, तो हरियाणा पंजाब से सिर्फ किसान ही नहीं और भी जो लोग हैं जो मानते हैं कि किसान के बिना देश में कुछ नहीं है, वो सभी अपना सहयोग किसान को दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका दैन, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.